जय राधा माधव। सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। प्रिय श्रोताओं, यह वीडियो प्रमुख रूप से माता बहनों के लिए है, अतः इसको अधिक से अधिक शेयर कर उन्हें लाभान्वित करें। श्रद्धेय भाई जी, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार कहते हैं, बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म स्त्रियों से ही हुआ है। स्त्रियों के स्वास्थ्य को बचाने की बड़ी आवश्यकता है। स्त्रियों के ज़्यादा रोग प्राय रज संबंधी ही हुआ करते हैं। भारतवर्ष में 12-13 साल की उम्र में रजोदर्शन होने लगता है, जो तंदुरुस्त स्त्रियों के प्राय 28वें दिन शुरू हो जाता है और 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। रजोदर्शन के नियमों का पालन न करने से ही बहुत सी बीमारियां होती हैं। रजोदर्शन के समय कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रथम, स्वामी के पास कभी सोना नहीं चाहिए। द्वितीय, किसी प्रकार का ज़्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। तृतीय, ठंडी जगह में धरती पर नहीं सोना चाहिए। चतुर्थ, जब तक श्राव रहे नहाना बिल्कुल नहीं चाहिए। पंचम, पेट को सर्दी नहीं लगानी चाहिए। षष्टम, गाड़ियों पर चढ़ना उतरना, सीढ़ी चढ़ना, ऊंची जगह पर चढ़ना उतरना और किसी भारी चीज़ को उठाना आदि भी हानिकारक हैं। इन नियमों का पालन न करने से जो हानि होती है, अब उसका श्रवण कीजिए। स्वामी के पास जाने से इंद्रिय संयम रहना कठिन है। ऋतुस्राव के समय पुरुष संग से स्त्रियों को बड़ी कठिन बीमारियाँ हो जाती हैं। कमर में पीड़ा होने लगती है। ऋतुस्राव बढ़कर कई दिनों तक जारी रहता है। शरीर कमजोर हो जाता है। उन्माद रोग अर्थात हिस्टीरिया हो जाता है। अनियमित ऋतु से संतान पैदा होने में रुकावट पड़ जाती है। हृदय आदि के बुरे रोग भी प्राय इसी से होते हैं। इसके सिवा पुरुषों को भी बड़ा नुकसान होता है। उसके प्रज्ञा, तेज, बल, नेत्र शक्ति और आयु का नाश होता है। अनेक प्रकार की बीमारियां घेर लेती हैं। इसी तरह अधिक परिश्रम या चढ़ने उतरने आदि से भी ऋतुस्राव बढ़ जाता है। सर्दी लगने या पेट में ठंड पहुंचने से ऋतुस्राव हठात बंद हो जाता है, जिससे अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। कमर दुखना, सिर में चक्कर आना, आँख और सिर का जलना, भूख का बंद हो जाना, आँखों की नज़र घट जाना, अंधी तक हो जाना आदि रोग हो जाते हैं। हमारे त्रिकालदर्शी शास्त्रकारों ने रजस्वला स्त्री के लिए अलग रहने, किसी को न छूने, अलग सोने, किसी को अपना मोह न दिखाने आदि की जो व्यवस्था कर दी है, उससे धर्म और स्वास्थ्य रक्षा में बड़ी भारी मदद मिलती है। प्रिय माताओं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर विनम्र विनती है कि जहाँ तक संभव हो सके उन सब नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। जय जय श्री राधे।